अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर हेडलाइंस। मैं हसन इफ्तिखार लेकर आया हूं आपके लिए दिन भर की खास खास खबरें। सबसे पहली खबर यह है कि पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की अलजीजिया में सजा को मुअत्तल कर दिया। पंजाब हुकूमत की जो सूबाई काबीना है, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर, ये पहली मरतबा ही शायद ऐसा हुआ होगा कि किसी साबिक वजीर आजम की सजा जो नैब ने उनको दी हुई थी उसको मुअत्तल कर दिया। बड़ी अहम बात है ये। आमिर मीर साहब जो है पंजाब के वजीर इत्तला'आत, उनकी जानिब से ये बयान सामने आया कि नवाज शरीफ की सजा जो है अलजीजिया केस के अंदर उसको मुअत्तल कर दिया गया। बहुत हैरान कन बात है। पंजाब की जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो उसको न्यूट्रल होना चाहिए था, उसको न्यूट्रलिटी अपनी शो करनी चाहिए थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर सियासी जमातें जो हैं वो पहले से ही कह रही हैं कि ये न्यूट्रल सेटअप नहीं है, और पंजाब हुकूमत की इस हरकत के बाद तो शायद इन पर बहुत ज्यादा सवाल भी पैदा हो जाते हैं। हुआ कुछ यूं है कि आमिर मीर साहब का कहना है कि नवाज शरीफ साहब ने उनको पंजाब हुकूमत को एक दरख्वास्त दी थी, जिसमें उन्होंने ये दरख्वास्त की थी कि क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट की जो शिक 401 है उसके तहत ये इख्तियार है पंजाब हुकूमत के पास कि वो किसी भी शख्स की जो सजा है उसको मुअत्तल कर सकती है या खत्म कर सकती है, तो उसको इस्तेमाल करते हुए मेरी सजा को खत्म या मुअत्तल कर दिया जाए। इसके ऊपर पंजाब हुकूमत ने उनका, नवाज शरीफ की जो दरख्वास्त थी उस पर समाप्त की। आमिर मीर साहब का कहना है कि स्काइप के ऊपर या जूम के ऊपर जो है दोनों के वकला जो है अता तारिक साहब जो है वो नवाज शरीफ साहब की तरफ से आए और दूसरी तरफ से भी कोई वकील साहब आए, या हो सकता है कि सरकारी कोई वकील हो जिन्होंने कोई एतराज नहीं किया, या नैब के जो वकील थे उन्होंने कोई एतराज नहीं किया, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब जो है उनकी सजा जो है वो मुअत्तल कर दी गई। हैरान कन बात है। नवाज शरीफ साहब ने सजा की मुअत्तली के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर भी अपील दायर कर रखी है। आज ही उनकी पेशी भी थी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इन्हीं केसेस के अंदर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसलिए भी क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो है जब पाकिस्तान वापस आ रहे थे तो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था या कहना था कि उनके जो आउटस्टैंडिंग वारंट्स हैं या उनके खिलाफ जो इस वक्त कन्विक्शन हो चुकी हैं उसके बाद नवाज शरीफ साहब शायद जेल में ही अपना वक्त गुजारते नजर आएंगे, लेकिन हालात ने ऐसा पलटा खाया, वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि नवाज शरीफ साहब हवाई जहाज से उतरते साथ सीधे मीनार पाकिस्तान गए, वहां लाखों के मजमे से उन्होंने खिताब किया, और उसके बाद से नवाज शरीफ साहब जो है एक आजाद शख्स की तरह पाकिस्तान भर में घूम रहे हैं, और अब तो उनकी जो सजा है वो मुअत्तल कर दी है पंजाब हुकूमत ने भी। क्या पंजाब हुकूमत ऐसा कर सकती थी? पंजाब हुकूमत का ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब को जिस वक्त बाहर भेजा गया था तब भी पंजाब की जो कैबिनेट थी उसने इसी कानून को इस्तेमाल करते हुए उनकी जो सजा है वो मुअत्तल की थी, जिसके बाद ये पॉसिबल हो सका था कि वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट और फिर उसके बाद पाकिस्तान से बाहर बरतानिया जा सकें। तो इस कोई नई बात नहीं है, कोई अनप्रेसिडेंटेड मूव नहीं है, लेकिन अनप्रेसिडेंटेड तो ये है क्योंकि पंजाब के अंदर तकरीबन एक साल होने वाला है, एक ऐसी हुकूमत है जो कि निगरान हुकूमत थी, इलेक्शन करवाने के लिए पंजाब में आई थी, पंजाब में इलेक्शन तो हो नहीं सके लेकिन ये जो निगरान हुकूमत है ये पंजाब के अंदर टिक कर बैठ गई, और अब उन्होंने एक ऐसा फैसला किया है जिस पर यकीनन नवाज शरीफ के अलावा या नवाज शरीफ की सियासी जमात के अलावा तमाम सियासी जमातें खुसूसन पीटीआई और उनके जो चाहने वाले हैं उनको शदीद तरीन एतराजात होंगे, क्योंकि उनके ख्याल में वो पहले ही कहते हैं कि ये इंटरिम गवर्नमेंट जो पंजाब की है ये न्यूट्रलिटी नहीं है, इसके अंदर ये न्यूट्रल गवर्नमेंट नहीं है, और अब जो ये लेटेस्ट डिसीजन हुआ है या लेटेस्ट फैसला किया गया आज सुबह सुबह ही बॉम्बशेल फोड़ा गया है, इससे भी ये मजीद साबित होना शुरू हो गया है कि शायद पंजाब हुकूमत जो है उसकी हमदर्दियां नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून के साथ है। आने वाले दिनों में इलेक्शन का टाइम आ चुका है सर पर, 28 या 30 जनवरी को अगर अगले साल इलेक्शन हो जाते हैं तो वक्त बहुत कम रह गया है, तकरीबन 3 माह रह गए, और इस किस्म की हरकतों से या इस किस्म की बातों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बहुत ज्यादा फायदा होता नजर आ रहा है। इस वक्त जो परसेप्शन बन चुका है वो परसेप्शन ऐसा ही नजर आ रहा है जैसे नवाज शरीफ साहब जो है उनके आने के बाद उनके और वजारत उज़्मा के दरमियान कोई जगह खलीज हायल नहीं है और वो आने वाले दिनों में वजीर आजम बन ही जाएंगे, ये डन डील नजर आती है, और ऐसी जो हरकतें हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से जो फैसला किया गया है वो इस बात पर मोहर सख्त करती नजर आती है। हमारे प्रोग्राम के अंदर जो दूसरी खबर है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक। आप लोगों को पता है कि पिछले दिनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत सारी लीडरशिप जो है उन्होंने सदर मुमलिकत से रब्ता किया था और उनसे कहा था कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनके मामला तय कराने के लिए या एस्टैब्लिशमेंट को टेबल पर लाने के लिए सदर मुमलिकत जो है वो अपना कोई रोल अदा करें, और आप सबको ये भी पता है कि सदर मुमलिकत ने हामी तो भरी थी लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा था कि आप लोगों ने मुझे कहीं का छोड़ा ही नहीं, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो इस किस्म के लीडरान थे जो इमरान खान साहब को उल्टे सीधे मशवरे देते रहे उनके बारे में प्रेसिडेंट साहब कहने कहा कि आप लोगों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मैं किसी से क्या बात करूं क्योंकि आप लोगों ने मेरे लिए कोई जो स्पेस होती है गुफ्तगू करने की या डायलॉग इनिशिएट करने की या निगोशिएट करने की वो कोई छोड़ी ही नहीं। इसमें मजीद अब खबर यह है कि सदर मुमलिकत साहब जो है उन्होंने अपने तई कोशिश जरूर की थी एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत करने के लिए, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के एक बहुत
सीनियर अफसर जो हैं उनके साथ राबता करके उनसे मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया था, उनसे मिलना वो चाहते थे, लेकिन उनको इसमें वो खातिर खा कामयाबी नहीं हासिल हो सकी। दूसरी तरफ से उनको कोरा जवाब मिला, उनसे मुलाकात से भी इनकार कर दिया गया। और अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो दूसरी साइड है वो बहुत सारी और जगहों पर मुलाकात कर रही है, जो जिनके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ ये दीगर लोगों से मुलाकातें करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोगों से मुलाकातें नहीं कर रहे। लेकिन जब सदर साहब ने अपनी दरख्वास्त दी थी या सदर साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो मुलाकात करना चाहते हैं ताकि मामला को कुछ आगे बढ़ाया जा सके, तो दूसरी तरफ से साफ इनकार हो गया, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट ने बिल्कुल सदर साहब को बता दिया कि वो उनसे बात करने को भी नहीं तैयार, यानी कि उनसे मीटिंग भी नहीं करना चाहते। बातचीत करना तो बात की बात है, ये किसी किस्म की नेगोशिएशन तो बात की बात है। इस सब के बाद सदर साहब ने पार्टी को जो है अपना पैगाम पहुंचा दिया, पार्टी को उन्होंने बता दिया कि मैंने तो कोशिश करके देख ली है लेकिन अगली जो पार्टी है वो हमसे बात ही नहीं करना चाहती। इसी दौरान एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुफाहमत कराने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई ऐसे रहनुमा जो कि अभी तक बैकग्राउंड में थे या अभी तक वो फ्रंट से लीड नहीं कर रहे थे और जो कि पुराने जमाने से एस्टैब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात के नाम से जाने जाते हैं या हवाले से जाने जाते हैं, उनकी तरफ से भी डायरेक्ट कोशिशें की गई सदर मुमलिकत की कोशिश के अलावा। वहां से भी जो उनको जवाब मिला वो खातरखा नहीं था, कोई उनको हौसला अफजा जवाब वहां से नहीं मिला। वहां से भी उनको यही कहा गया कि आप हमसे बात मत करें, ये पॉलिटिकल पार्टीज के आपस में करने का डायलॉग है। इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ जो कुछ हो रहा है, जो केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं, वो किसी विक्टिमाइजेशन की वजह से नहीं हो रहे बल्कि उनके जो हरकतें थी या जो उनके जो कारनामे थे उन्हीं की वजह से हो रहा है। और ये जो पैगाम लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साहब गए थे एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के लिए, उनको वहां पर ज्यादा देर के लिए मौका भी नहीं मिल सका गुफ्तगू करने का। हमारे जराए हमें बताते हैं कि जो मीटिंग थी इसका दौरान यह शायद 7 से 8 मिनट का था, इससे ज्यादा का नहीं था। और जब वो शख्स बाहर निकले तो उन्होंने बाहर निकलकर जब अपने दीगर साथियों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फोन किया तो उन्होंने बड़ी बददिली से उनको बताया कि मुझे तो चाय का कप भी नहीं ऑफर किया गया था, तो वहां पर चाय भी नहीं उनको मिली और चाय पिए बगैर ही वो वापस आ गए, एक बात भी उनकी नहीं बनी। इसी किस्म का कुछ हुआ था सदर मुमलिकत के साथ। तो इसमें आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी किस्म की मुफाहमत का कोई नजर नहीं आ रहा कि कोई नतीजा होगा या मुफाहमत की कोशिशें उनकी तरफ से कारआमद होंगी। इसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से जो है हमारे जो सोर्सेज हैं हमें बताते हैं उनका ये कहना है कि एस्टैब्लिशमेंट ये कहती है कि जो मुफाहमत का टाइम था या जो गुफ्तगूशनीद का टाइम था या जो डिस्कशंस का टाइम था वो गुजर चुका है। वो तकरीबन पिछले 7-8 माह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस अग्रेसिव टोन से एस्टैब्लिशमेंट पर हमलावर होती रही, जिस तरह जनरल आसिम मनीर साहब की आर्मी चीफ की तैनाती रुकवाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबको शिरकतें की, उसके बाद कोई रास्ता मौजूद नहीं है कि उनके साथ किस तरीके से डील की जाए। जो हमारे सोर्स हैं उन्होंने ये भी कहा कि ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि पाकिस्तान के अंदर जब दहशतगर्दी की लहर थी और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां कर रहे थे तो पाकिस्तान में यकीन बहुत सारे लोग चाहते थे कि उनके साथ मुज़ाकरात करके उनको टेबल पर लाकर बातचीत के जरिए मामला को ख़त्म कर लिया जाए। लेकिन उन सोर्स ने मुझे कहा कि लेकिन आप जैसे लोग जो हैं वो हमें तब भी यही कहते थे कि जो लोग बंदूक रियासत के खिलाफ उठा लेते हैं उनके लिए किसी किस्म की माफ़ी या माजरत या मुज़ाकरात नहीं होते, उनको उनका सबक या उनको सज़ा मिलनी है। तो उनका ये कहना था कि अगर ऐसी हरकत एक सियासी जमात ने की है जो कि आप सबके सामने है तो आप लोग क्यों कर बार बार आकर ये इंसिस्ट करते हैं या हमसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं या हमें कहते हैं कि हम इमरान खान साहब या उनकी सियासी जमात के साथ मुज़ाकरात क्यों नहीं कर रहे। तो इससे कम अज़ कम आने वाले दिनों के अंदर मंजरनामा जो है वो काफ़ी क्लियर होता नजर आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान और ये सियासत ये सब कुछ तो चलता ही रहता है लेकिन पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है ये पाकिस्तान की हकीकत है और इसको हम सब जो तस्लीम जितनी जल्दी कर लेंगे उसके रोल को तस्लीम कर लेंगे तभी हम आगे चल सकते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे क्रिकेट की। यूजली हम अपने प्रोग्राम के अंदर स्पोर्ट्स को डिस्कस नहीं करते, क्रिकेट को डिस्कस नहीं करते, लेकिन कल का जो वाक्या है, कल जो हमारी बदतरीन और इबरतनाक किस्म की शिकस्त हमें हुई है अफगानिस्तान के से, उसके ऊपर बात करनी बहुत जरूरी है। पाकिस्तान की जो मौजूदा टीम है इसके अंदर ऐसा फील होता है जैसे मेरिट के ऊपर सिलेक्शन नहीं हो रही, यहाँ पर कोई फेवरेटिज्म चल रहा है। और जो पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर साहब हैं इज़्ज़ुल हक साहब, वो भी सुना है कि अब खुश नहीं है, वो भी रिजाइन करना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त तक का जो वर्ल्ड कप की कारकर्दगी है, उससे पहले एशिया कप की कारकर्दगी है, उसको देखकर कहीं से भी नहीं लगता कि ये कोई टीम ऐसी है जो कि कोई नंबर वन स्पॉट की टीम थी। पिछले वर्षों आईसीसी की जो रैंकिंग है उसके अंदर हम नंबर वन पे हमें दिखाती रही। बहुत सारे लोग तो कल सोशल मीडिया पर यह भी कह रहे थे कि वो जो आईसीसी की रैंकिंग है वो एक फ्रॉड था और ये साबित किया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने अपनी परफॉर्मेंस के साथ। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि अफगानिस्तान से क्रिकेट मैच हारना और एक ऐसे मुल्क से क्रिकेट मैच हारना जो कि हमें अपना दुश्मन समझता है पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का क्रिकेट के अंदर जो टाकरा है शायद वो इंडिया और पाकिस्तान के टाकरे से भी ज्यादा चार्ज्ड अप एनवायरमेंट्स में होता है। आप सबने देखा होगा नसीम शाह के आखिरी बॉल का छक्का हो या इस किस्म की और दूसरी शॉट्स हों या दूसरे हों, कई मैचेस के अंदर हमने देखा कि अफगानिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, अफगानी जो क्रिकेटर्स हैं, अफगान क्रिकेटर्स, वो पाकिस्तान के साथ
मोहब्बत या प्यार से नहीं रहना चाहते या वो ऐसा शो करते हैं। तो उसके बाद अफगानिस्तान से बुरी तरह इबरतनाक शिकस्त के बाद भी बाबर आजम साहब जो हमारे कप्तान हैं उन्होंने अफगानिस्तानी एक बैट्समैन को अपना बैट भी गिफ्ट करने की कोशिश की। तो हमारे ख्याल में ये सब कुछ जो है इस किस्म के जो जेस्चर्स हैं ये बिल्कुल अच्छे लगते हैं। लेकिन फिर और जैसा आप देखते हैं कि जब मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया तो उसके बाद जो उन्होंने गुफ्तगु की उन्होंने कहा कि मैं अपने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जो है वो पाकिस्तान से निकाले जाने वाले गैर कानूनी अफगानी बाशिंदों को के नाम करता हूँ जिनको पाकिस्तान से निकाला जा रहा है। तो आपको सबको नजर आ रहा है बड़ा क्लियरली कि क्रिकेट से भी ज्यादा कुछ है ये जो डिप्लोमेसी की फील्ड की लड़ाई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की है। जो अफगानिस्तान के लोग फील करते हैं कि पाकिस्तान ने उनके साथ ज्यादतियां की वो क्रिकेट फील्ड के ऊपर ले आते हैं। लेकिन हमें ऐसा मौका ना मिलता अगर हम अपनी टीम अच्छे तरीके से सिलेक्ट करके लेके जाते। इसको पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर 3 बैट्समैन और 1 बॉलर के साथ हम खेल रहे हैं, बाकी 7 लोग जो है वो बिल्कुल जिसको हम कहते थे क्रिकेट की जबान में गली मोहल्ले में हम कहते थे कि रेलू कट्टे हैं, बाकी 7 जो हैं इसमें वो रेलू कट्टे हैं जिसके बारे में नवाब इमरान खान साहब ने भी कहा था कि पीएसएल में रेलू कट्टे आ गए, यहाँ तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर ही रेलू कट्टे आ गए। इंपॉर्टेंट ये है कि जब कभी भी हम पाकिस्तान वापस आते हैं वर्ल्ड कप के बाद और जैसा कि नजर आ रहा है कि इबरतनाक शिकस्त जो अभी तक हो चुकी है अब आने वाले दिनों के अंदर साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड इंग्लैंड और बांग्लादेश के साथ हमारे मैचेस हैं, शायद हम बांग्लादेश से जीत जाएं, उम्मीद रखते हैं कि हम कम से कम वहां से तो जीत करें। बाकी 3 मैचेस हमारे लिए तकरीबन नामुमकिन है, उनको जीतना और पाकिस्तान का क्वालिफाई करना भी नामुमकिन नजर आता है। ये टीमें जब वापस पाकिस्तान आए तो इनके लिए नए सिरे से कोई कवानीन बनाए जाएं, कवायद जवाबत बनाए जाएं। इनकी जो इंटरनेशनल लीग्स हैं जहां पर ये दर्जनों के हिसाब से लीग्स खेलते हैं, एक लीग से निकलकर दूसरी लीग से, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्रिकेटर्स कनाडा में लीग खेल रहे थे, फिर वहां से श्रीलंका में क्रिकेट लीग खेलने आ रहे थे, फिर वहां से वेस्ट इंडीज जा रहे थे। इतना ज्यादा ट्रैवल बॉडी के ऊपर जो तमाम कुछ हो रहा है उसको रोकने की जरूरत है। इसके लिए बहुत बड़ी एग्जांपल है कि मिचेल स्टार्क जो है साउथ ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े बॉलर हैं, वो कोई और लीग नहीं खेलते बल्कि उन्होंने आईपीएल भी छोड़ दिया इसलिए क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलना चाहते हैं। तो जरूरी यह है कि इन क्रिकेटर्स को इंश्योर कराया जाए कि ये मुल्क को सबसे ऊपर रखें अपनी लीग जो क्रिकेट के अलावा। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।